मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे सबके सवार है। भाई साहब मैं हो गया हूँ रेडी, अब चलते हैं अपन संगीत में, क्योंकि भाई मैं हूँ एंकर। तो गाइस अभी ये हमारी लेडीज गैंग और ये है लड़कों वालों की तरफ से, करो हेलो। तो ये हमारे फुलझेले आंटी है जो कि सिंगर है। तो भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं सबके सब। अब अपन चलते हैं रूम की तरफ, रूम की तैयारी हुई है कि नहीं जल्दी से आपको। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे सबके सवार है। तो ये नवरदेव आज पूरी गैंग यहाँ पे रेडी है और ये हमारे नवरदेव हो गए रेडी। क्या बात है जीजू, आप भी आ जाओ। व्लॉग बन रहा है व्लॉग। ये हमारे जीजू जी और दीदी अप्सरा हमारे मैडम, इनकी धर्म पत्नी दूल्हे राजा एकदम चमक रहे हैं और पूरी गैंग अभी देखने आ गई है दूल्हे राजा कैसे रेडी हो रहे हैं। तो सर सब हो गए अभी रेडी, जीजू और अंकिया दोनों भी, और मुझको दिया है एंकरिंग का काम। अभी मुझ पर बहुत विश्वास तो दिखाया है पर देखते हैं अभी होता है कि नहीं भाई। देखते नहीं, क्योंकि मेरे को खुद पे तो भरोसा है नहीं, पर आपको बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो भगवान करे अच्छा जाए, है ना। तो मिलते हैं, आपको जल्दी दिखाता हूँ कि मैं इसमें सफल हुआ या असफल। ओके बाय। तो भाई संगीत का ये है सजा दौर, क्या बात है। अंकिया भाई ताली बजाना है, एंकरिंग करूँगा तभी। ये चल रही है भाई पूजा की तैयारी, सबसे पहले होती है पूजा। तो भैया ये रहे हमारे दूल्हे राजा। सर जी आपको कैसे लग रहा है, खुशी है एकदम? भाई शादी कितनी अलग चमक रहती है, जैसे भैया चमक रहे हैं ना, हमको समझ रहा है कितनी खुशी है, क्या भैया? बिल्कुल। चलो अभी भाभी की जल्दी से हम राह देख रहे हैं, तो बाद में चालू करते हैं प्रोग्राम, मिलते हैं जल्दी। पहले तो ये बताओ कि नींद में हो, मेरे को वो लड़की दिख रही है मेरे को, वो जो हाँ तो मेरे को लग रहा है कि अभी नींद में है, पर अभी नींद में मत रहो क्योंकि अभी अपने भाई की शादी है और हमारे भाभी की शादी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डांस से। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस है मनस्वी का, बच्चा आ जाओ। अरे पहले क्लैप तो कर दो बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। लगा कि नहीं डांस अच्छा? बहुत बढ़िया लगा ना। तो अभी आप देखो छोटू बच्चा लग रहा है ना, अब देखो इतनी उम्र में तो मैं तो कभी डांस किया भी नहीं था, तो छोटू आप कर लोगे? हाँ यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो तो अभी नेक्स्ट डांस से आ रहे हो का? करो बेटा, बहुत बढ़िया सर। राम तो बहुत देरी है, अभी मैं भैया के लिए बात बताता हूँ। अभिजीत भैया गौर करिएगा, आपने जो सिक्रेट बताया तो मैं बताने जा रहा हूँ। भैया बोले क्या साइड दे के ही बात है ना, फिर भाभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बोले क्या काम करना है कि ये किसी को बोलना नहीं, पर फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो भैया ने जो शायरी लिखी थी वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भैया कहते हैं कि काश एक खुशियों की दुकान होती, काश एक खुशियों की दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती।
क्या है, काशी खुशियों की दुकान होगी, उस दुकान में हमारी पहचान होगी, मिल जाती सारी खुशियाँ आपको वहाँ, चाहे उस खुशियों की किस्मत हमारी जाल होती। तो अभी जैसे लाती हुई दम भैया की तरफ से, तो अभी नेक्स्ट जो डांस है, कभी भाभी का भाई बोल रहा है बहुत हो गया, मेरे को भी थोड़ा धमाल मचाने दो। तो आ रहे हैं मिस्टर दिवेश। अरे प्रथमेश, अच्छा सॉरी भाई, हाँ बोल रही है ये दिशा भाभी की तरफ से शायरी। भाभी तो एकदम ऐसे मत देखो, आप ही बताइए। तो भाभी ने कहा है, जो बीत गया वो दौर ना आएगा, जो बीत गया वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। अर्ज किया है, जो बीत गया वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया है हमने, घर फूंक दिया है माने जला दिया है, घर फूंक दिया है हमने, राख उठानी बाकी है, जिंदगी कुछ भी नहीं बस तेरी मेरी कहानी है। की जो इम्पोर्टेंस है, तो ये संगीत में अगर अपने भैया और भाभी आराधना करें तो उसके अलावा परफेक्ट तो होगा नहीं संगीत। तो क्या लगता है आपको? सही बात है। तो आ रहे हैं हमारे भैया और भाभी एक अच्छा सा डांस लेके, आइए। संगीत हो गया ख़त्म और हमको लगी थी ज़ोरदार भूख, तो अपन आ गए नीचे और यहाँ, और एक दो वेटर भैया बड़े अच्छे थे यार, एकदम ठूस ठूस के खाना खिला दिया। भैया लो थोड़ा थोड़ा, ये जो चीज़ है ना एकदम ज़ोरदार है। अबे निकल, ये है श्रीखंड, मैंगो श्रीखंड, तो बहुत बढ़िया बना है। सो गाइज, ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और वेडिंग का व्लॉग जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।